रिपीट किया, ठीक है। जब मेरी फ्रेंड अंदर गई है, वो बाहर निकली सहमी सी रोती हुई, मैं कहा हुआ क्या तुम्हारे साथ, क्या हो गया, मैं भी हंसना शुरू हो गई। जब ये यंग स्टिल आई एम यंग, तो वो बाहर की कहती है, अंदर की उन्होंने पहले मैं सर पे हाथ, वही सर पे हाथ रखा, उससे बात बात की, यानी टाइटली ग्रैब्ड उसको, नहीं यूं साइड पे करते पीछे हाथ किया उसके पूरी कमर पे। मैंने कहा तुम्हें कुछ बोलना, तो शोर ही मचा देती, बाहर ही खड़ी थी ना। तो कहती नहीं यार मैं तो बहुत डर गई, उन्होंने कहा तब किसी को बताना नहीं। वो रोती रोती बाहर निकली, समझे गाड़ियां बताया, हम थोड़ा आगे निकल चुके थे। एंड आई रियलाइज, उसके बाद तो हम उधर गई नहीं, बट आई रियलाइज कि माँ बाप को बच्चे ट्रस्ट के साथ टीचर के पास भेजते हैं, तो ये उन टीचर्स के लिए है। पर एक और चीज है, जो अभी देखने वाले टीचर्स हैं एब्सोल्युटली ऑफेंडेड नाउ इस बात से, जो देखने वाले ऑफेंडेड, हम उन टीचर्स की बात करें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते अपनी। मिसेस काशिफ कराची से, अस्सलाम वालेकुम मिसेस काशिफ, तुमने शादी कब की, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। माया जी आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ, मुझे आपसे इतना रोज देखती हूँ, आपको कॉल नहीं मिलती है। अच्छा, जरा जरा सा जोर से बोलिएगा और थोड़ा सा क्लियरली बोलिएगा जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी। क्या कहेंगी आज मिसेस काशिफ? आज मैं बस एक नाथ खा के बारे में बात करना चाहूंगी। मैं आपके प्रोग्राम में कॉम्पिटिशन के लिए काशिफ कंट्रोल रूम में नंबर प्लीज, ऑन एयर नहीं प्लीज, टॉपिक से मुंसलिक आपने कोई बात करनी है तो कॉल कीजिए, वरना अगर एंट्रीज के लिए हमारा डिफरेंट नंबर चल रहा है और जो भी एंट्रीज का सिलसिला है उस तरफ भेजिए प्लीज, टॉपिक से हटा ना कीजिए, क्योंकि हम सबको एक ही जिंदगी में प्रॉब्लम है, हम फोकस्ड कॉम नहीं है। जिस दिन हम फोकस्ड हो गए उस दिन हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बात की आपने, वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। लेकिन जब टीचर्स का फोकस स्टूडेंट्स हट के दूसरा टीचर हो जाए तब क्या कीजिएगा आप लोग? ये है कि देखिए, जब टीचर का फोकस किसी और की तरफ चला आता है, स्टूडेंट के अलग स्टूडेंट की वजह किसी और की तरफ चला आता है, तो फिर सिंपल ये होता है कि स्टूडेंट भी अपना फोकस स्टडीज से हटाए कहीं और डाल देते हैं, स्टूडेंट्स भी हट जाते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। भाई मैं भी स्टूडेंट्स जिस तरह हम लोग क्लास में जाते थे हम बड़े इंजॉय करते थे, हमारे टीचर थे, पानी दे दूं? नहीं सही है। अक्सर ये भी होता है कि एक टीचर गुजर रहा है पीछे, स्टूडेंट दूसरे टीचर की आवाज मारते हैं। हाँ ठीक है, अरे सर आ गए दूसरे, जो अगर सर एक्स वाई जी जो है वो एबीसी के पीछे, अरे जब वो एक्स वाई जी गुजरा तो उससे बदतमीजी भी एक लेती है। अब आप देखिए टीचर्स का स्टूडेंट का वो रिलेशनशिप नहीं रहा इज्जत का जो पहले हुआ करता, ठीक है। आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सिर्फ जो है स्टूडेंट्स को ही और टीचर्स को ही क्यों ब्लेम करते हैं, हमारे माहौल हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अहमियत रखता है, अगर हम उस एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो हम वो चीज अडॉप्ट करेंगे। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, सॉरी मैंने आपको काटा, टीचर्स बच्चों के लिए माहौल बनाते हैं, ठीक है, बच्चे तो अपने स्टूडेंट्स का भी तो फर्ज है ना कि तो वो उस माहौल में मींस एडजस्ट ना हो। मैं अभी आपकी बात का भी आपसे डिस्कस करती हूँ। कॉलर नुमान है, अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक नुमान, आप कैसे हैं? ठीक है। आपको देखकर तो याद समा टीवी याद आ जाता है जब भी आपको देखता हूँ। समर टीवी याद, समर टीवी कहीं चला जाता है? एक सेकंड, समर टीवी कहीं चला जाता है जब मैं आती हूँ? मुझे ऐसे लगता है जैसे आपका नाम समा है। वाह वाह, ये आज तक बात मैंने नहीं सुनी, ये बात मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि मुझे देख के लगता है कि समा है। वाह, समा की लोगों की जगह मेरी शक्ल आनी चाहिए। मैम मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये सिर्फ स्कूल की हद तक नहीं है, ये मदारस तक भी काम फैल चुका है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो डिस्कशन हो रही है आपकी और इन बच्चों के दरमियान हो रही है, मेरी एज जो है 37 ईयर ओल्ड हूँ जी, मैं तो माशाल्लाह अभी जवान हूँ, लेकिन मेरे से 3 क्लासेस आगे एक टीचर थे, वो मदारस में इधर पढ़ाते थे। अच्छा, तो उनका एक बच्ची के साथ अफेयर हो गया, वो तो बिल्कुल टीनेजर थी बेचारी। हाय बेचारी मासूम। फिर तो वो शाह साहब थे, उन्होंने उसका बहुत नाजायज फायदा उठाया, और अल्लाह ना करे वो तो बस आप समझे कि बस वो पकड़े गए, समझ ले दूसरे लफ्जों में, सीधी बात मैं आपको बता। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। फिर 6 महीने बाद मुझे मिले, मैंने कहा शाह जी आप तो माशाल्लाह बड़े लायक हैं और आपकी इतनी पर्सनैलिटी है, मैं तो आपको देख कर फॉलो कर रहा था, आपने ये क्या किया? तो शाह साहब फरमाते हैं भाई फर्क सिर्फ ये है, मैं पकड़ा गया हूँ, मेरे वालिद साहब 15 साल पहले पढ़ाते रहे हैं, वो पकड़े नहीं गए, मैं पकड़ा गया हूँ, मेरी ये बदकिस्मत। उन्होंने ये आपसे कहा? हाँ जी, बेटे ने मतलब के बारे में कहा, शाबाश है जी शाबाश है, 15 साल पढ़ाते रहे हैं वो पकड़े नहीं गए अफेयर्स में, मैं पकड़ा गया हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। फखर है जी उनको उनकी हरकतों पे, और आगे वो बड़ी आपने अच्छा पॉइंट रेस किया खजाजात। यहाँ पर नुमान हमारे साथ है गुजरात से, उन्होंने कहा कि ये बात खाली स्कूल कॉलेजों और दूसरे इदारों में नहीं, ये मदरसों तक भी पहुंच चुकी है, और ये इस कल्चर को कहाँ लेके जाएगी, हमें जनरेशन को, आप लोगों को, आपके बच्चों को, आपके घर में आपकी बेटी और आपके बेटे को
क्या सोच दे रही है ये जो एक एक सीन चल रहा है, मतलब एक जो दरिया एक बह रहा है ना। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सुबह सवे माया के साथ में, अभी और बहुत कुछ। आपका तो पता नहीं, लेकिन समा पे सिर्फ हम हैं लड़की वाले। कुछ चेंजेस हैं, 16 नहीं 23 जुलाई को एक शादी होगी आपकी बहन और आपकी बेटी की। आपने लिखना है हमें कि आपकी बेटी और बहन की शादी में किस किस्म की रुकावट है, इस पते पर और इस टेलीफोन नंबर पर। हाजिर हाजिर एक बार फिर हाजिर रहने का बहुत 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 शुक्रिया। यूं कर लिया और आप ये अच्छा रोजा यूं बजाती है, यूं कर लिया। ना ताली से डर लगता हो इसको, दूर होकर ताली बजाती है। मैंने कहा ये कौन सी ताली होती है ना, अब वो यूं ताली हो गई। हाजिर हाजिर एक बार फिर हाजिर रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। अक्सर सर की आंखों में पैगाम मोहब्बत देखा है, ये बात सिर्फ मजाक की हद तक नहीं है हौदीन हजरत, ये एक बहुत सीरियस मसला है। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे आपस में कि टीचर्स पर तो क्या उनको कहिएगा, लेकिन उनको क्या कहना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स इस बात को जो है इस बात पर जो है वो अपनी आवाज उठा सकते हैं कि ये आप लोग जो भी कर रहे हैं आप लोग करें, आपने जो करना है, लेकिन हमारे ऊपर आप लोग क्या इंप्रेशन छोड़ रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 08007726 पे कॉल कीजिए, फॉर इंटरनेशनल कॉलर्स आवर नंबर इज 0092-2132-70845। आपसे सबसे ये सवाल है कि आपने कौन सी क्लास में कौन सी सब्जेक्ट की टीचर को पैगाम में मोहब्बत देते अच्छा हुए देखा। ये भी कि स्टूडेंट राइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लोगों को पता स्टूडेंट का भी राइट होता है, जैसे टीचर का राइट नहीं होता। अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो उसके अपने हक है जो वो यूज कर सकता है। अगर वैसे अगर बताया जाए कि क्या रेमेडीज होनी चाहिए इस चीज के, कैसे करना चाहिए इसको, तो अगर आपको लगता है कि किसी टीचर का टीचर से अफेयर है, दैट इज अफेक्टिंग यू इन अ वे के किसी और क्लास का बच्चा उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, फेवर मिल रही है, आपको नहीं मिल रही फेवर जस्ट बिकॉज ऑफ द टीचर दे हैव एन अफेयर, तो आप पूरा ग्रुप जाके उसके खिलाफ आवाज उठा। एक लड़का ना उड़ जैसे भी एक लड़की। राइट, वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं फलत बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? बहुत शर्म आ रही है, मैं खुद भी एक टीचर हूँ और इस तरह का टॉपिक है, लेकिन ये ऐसा होता है। ऐसा लेकिन मैं अपने कहूँगी जो साथ ही बैठे हुए हैं कि आपने देखा होगा कि इतने सारे टीचर्स होते हैं कि स्कूल में एक आज अगर ऐसी हरकत करता है ना, तो प्लीज इसको सब पे ना लाएं, क्योंकि ये बहुत मेरे लिए बड़ा पेनफुल है। और ये वाकईतन हम माएं हैं और हम माओं की तरह ही पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है तो प्लीज इस तरह नहीं। फरज जी, फरज जी आपकी कदा कलामी माजूद, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आप टीचर हैं और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मुझे भी उतनी ही तकलीफ हो रही होती, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल छोटे बहन भाइयों की तरह या औलाद की तरह पढ़ा रही हूं। राइट, यही आपका पॉइंट है। आपके जो हमने आज मौजू अभी उठाया है, ये हर टीचर के लिए नहीं है, लेकिन ये उन टीचर्स के लिए, आपके उन कुलीग्स के लिए, इनके उन उस्तादों के लिए, या दीगर और दिखने वाले उन उस्तादों और कुलीग्स के लिए है जो इस किस्म के सिचुएशन का जो जब गुजर रहे होते हैं तो उनको ये एहसास नहीं रहता कि उनकी मोहब्बत जो है ना, वो इश्क कहते हैं ना, इश्क और मुझ छुपाए नहीं छुपते। और बच्चों के जब वो अपनी ट्रेनिंग और स्कूलिंग और कॉलेजिंग में होते तो उनकी हर चीज बहुत तेज होती है, वो बहुत जल्दी कैच करते हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज, मुझे एक बात बताइएगा फरहत जी, कि अगर आप टीचर हैं, ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपकी नजर में अगर कभी किसी टीचर को स्टूडेंट्स कहते हुए या देखते हुए ये सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं या ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये टीचर इनके साथ इनका सीन चल रहा है, तो क्या स्टूडेंट को पूरा राइट है इस बारे में आवाज उठाने का? नहीं, बस वो एंजॉय करते हैं, वो बेचारे आवाज नहीं उठा सकते। नहीं, आपके ख्याल में होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझती, क्योंकि अगर वो आवाज उठाएंगे ना तब भी गंदी बात है, मुझे बड़ा गंदा लगेगा। लेकिन ये कि मतलब टीचर्स का ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को आवाज नहीं उठानी चाहिए, बहुत बुरा लगेगा अगर टीचर्स की वो आवाज क्यों उठानी चाहिए। हाँ, क्यों उठानी चाहिए, क्यों उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए। नहीं तो उनके जज्बात नहीं है, उनकी फीलिंग्स नहीं है। नहीं, एक मिनट बता रही हूं, शुरू में हमने नहीं, नहीं 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 मैं इसलिए पूछ रही हूं, इट्स अ सीरियस क्वेश्चन,
टीचर की अभी कॉल थी, वो उनको बहुत दुख हो रहा था कि टीचर्स के बारे में इस तरह है। आप समझते हो कि टीचर्स आपके सामने इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हो तो आवाज नहीं उठानी चाहिए? आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए, क्योंकि एक रिलेशन होता है टीचर और स्टूडेंट का, रिलेशन होता है ना। हाँ। मतलब अगर किसी उस्ताद का और स्टूडेंट का ऐसा रिलेशन हो जो मतलब हम लोग जाते हैं कहीं स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ने, तो हम लोग समझते हैं उस्ताद को अपने पेरेंट्स की जगह। तो डोंट यू थिंक कि एक आप ये समझ लें इस बात का मतलब कि आप पेरेंट्स से आप बात है, ये बिल्कुल इस तरह की बात हो गई कि आप सब लोग सिगरेट ही पीते होंगे, ठीक है, लेकिन अपने माँ बाप के सामने नहीं पीते होंगे। ठीक है, मैं बड़ी बात सच कह रही हूँ, आप लोगों के मुंह में बोल रही हूँ बात, आपके माँ बाप या बड़े भाई आपकी बड़ी माँ देते यूं करके यूं जाती होगी पीछे, ठीक है, आई नो दिस बिकॉज ये हमारे यहाँ माशरे का हिस्सा है। दूसरी एक और बात, बिल्कुल वही शर्म होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। दूसरी एक और बात है, मैं चाहती हूँ जब एक लड़की आवाज उठाती है तो सिस्टम उसकी कंप्लेन जो है वो नोट नहीं करता, लेकिन स्टूडेंट में उसका नाम खराब हो जाता है कि टीचर तो ऐसा कर ही नहीं सकते। जितनी भी गर्ल स्कूल्स होते हैं उसमें कहते हैं लड़कियां ऐसे हो सकती हैं, टीचर्स में कोई खराबी नहीं है। चले जी, किस तरह लूज जगह कहीं भी ले लो भाई जान, ब्रेक ही ले। अच्छा जी चले, हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, हम बात करेंगे मजीद टीचर्स के बारे में। सो अरे भाई आप भी लड़की वाले बन रहे हैं, खैर आपका तो पता नहीं, लेकिन सम आप सिर्फ हम हैं लड़की वाले। कुछ चेंजेस हैं, 16 नहीं 23 जुलाई को एक शादी होगी आपकी बहन और आपकी बेटी की। आपने लिखना है हमें कि आपकी बेटी और बहन की शादी में किस किस्म की रुकावट है, इस पते पर और इस टेलीफोन नंबर पर। ये हैं इनके ससुर और ये खुद हैं। आपको लगता है कि आपकी एक दफा भी आपके बेगम से अगर बात हो जाए, वो एक मैं कहूँ आ जाए मेरे पर एक दफा, सिर्फ 3 घंटे मेरे साथ गुजार लेंगे सही। कलीम का केस ले रहा है एक नया रुख, जानने के लिए देखते रहिए सुबह सवेरे माया के साथ। एक और रुख जो है वो कलीम का केस फौदनाजात, एक और जो है रुख की कहानी इख्तियार कर गया है, वो रुख क्या है वो बहुत जल्द आप देखेंगे सुबह सवेरे माय के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद माय शो पर। अक्सर सर की आंखों में पैगाम में मोहब्बत देखा आज का मौजू के, आप बताइए, ऐसे लिखिए स्पेस दीजिए बेदरी 762 पे, बताइए कि आपने बचपन में कभी किसी टीचर को देखा, कौन सब्जेक्ट में, कौन सी क्लास में, कौन से यूनी में, कौन से कॉलेज में, नाम ना बताएं लेकिन जरूर वाकया जरूर शेयर करें। आप हमारे साथ कॉलर हमारे साथ नाम नहीं बताना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं माया आप? करम अल्लाह का एहसान, आप फरमाइए। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे से ख्वाहिश है आपसे बात हो। बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी मोहब्बत, हुक्म कीजिए। हाँ जी आपके टॉपिक पे बात करनी थी। फरमाइए। हाँ जी मैं कुछ इस किस्म के इदारे से वाबस्ता हूँ, एक तालीमी इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो इस किस्म के जो है ये जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं वो हमने बहुत क्लोज होके देखा है इसको। ठीक है, और इसमें मैं समझती हूँ ज्यादा कसूर जो है ना खवातीन का है। ठीक है, क्योंकि उनके कुछ खाने पीने के चक्कर और सारे उनके सिलसिले होटलिंग वगैरह के।